40 सालों से कोशिश हो रही है कि एक मुस्लिम नुमाइंदा आपके बीच में से चुनकर असेंबली में भेजा जाए, यानी एक मुस्लिम आमदार आप लोगों के बीच में से चुनकर असेंबली में जाए। इसका मतलब यह है कि मैं पैदा नहीं हुआ था जब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मैं पैदा हो गया लगभग 40 साल का हो गया, लेकिन हमारी कौम अब तक जागी नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है भाई हमारे लिए। आज हम लोग कोई भी काम उठाते हाथ में, कोई भी चीज का बेड़ा उठाते, 2 महीना 2 महीना 6 महीना कोशिश करते हैं मुसलसल, वो नहीं होता है तो हम या तो उस काम को बंद कर देते हैं या उस काम को बदल देते हैं। लेकिन 40 साल से कोशिश करने के बाद भी हम लोग इसमें कामयाब नहीं हुए हैं, तो कभी आप लोगों ने इस पे गौर किए कि क्या वजह है, क्यों हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? यहां पर जैसे कि अभी शफी चाचा ने बताया कि 1 लाख मुसलमान है, 1 लाख यानी सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन उसके बावजूद हमारा नुमाइंदा कभी यहां से चुन के नहीं आता। उसकी वजह क्या है, क्यों हम लोग ऐसा नाकाम हो रहे हैं बार बार? आज हमारे जो युवा लोग सपना देख रहे हैं उनको भी गारंटी दी है कि सपना कब पूरा होगा, तो इसकी एक ही वजह है मेरे भाई, इसकी एक ही वजह है, वो है हमारे ईमान की कमजोरी। हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से हम लोग मुंतहिद नहीं हो पाए आज तक। मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाला 1980 से लेकर आज तक, यूनुस शेख साहब, एडवोकेट खराजी साहब, सलीम कल्याणी साहब, तौफीक पहलवान साहब, इन सब लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाकर आप लोगों पे भरोसा करके, आप लोगों पे विश्वास करके, उस कलमे की ताकत पे विश्वास करके इस दंगल में कुनी मारे थे कि उनकी कौम, ये आवाम, ये कलमा का भाई लोग उन लोगों को धोखा नहीं देंगे। लेकिन हमेशा क्या हुआ, हमेशा हमारी कौम ने माशाल्लाह साथ दी उनका, लेकिन हम 8-10 हजार वोटों से हमेशा हमारी सीट गिर गई। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी है कि उन 8-10 लोगों को जाके समझाए कि भाई क्यों ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से कौम रुसवा हो रही है, क्यों ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से हजारों जो मुसलमान है प्लेटफॉर्म पे आए उन लोगों को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, इलेक्शन पूरा हम लोग जोश दिखाते हैं और इलेक्शन के बाद फिर से सारी चीजें भूल जाते हैं। अरे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आज हमें मुंतहिद होने की जरूरत है, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हमारे तमाम जो हमारे हक है, हमारे अधिकार है, हमारे जो भी मसले मसाइल है उन चीजों को हमेशा से आवाज उठाने के लिए हमें मुंतहिद होने की जरूरत है। इलेक्शन आता है, हम में से कुछ भाई निकल जाते हैं, जैसे शफी चाचा बताए कि हिसाब तालने आते हैं कि देख बाबा ये करे तो ये होता है, ये करे तो ये होता है। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि अभी भी इलेक्शन का दौर है और ऐसे लोग फिर से मार्केट में निकले हैं, इनको सिर्फ एक ही सवाल करना कि तेरी सारी बात सही है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन भाई ये बता कि जब संसद में हमारे शरीयत में दखलअंदाजी हो रही थी तो तू जिसको वोट डालने बोल रहा है तो वो लोग कहां थे? जब तगड़े अंसारी को मॉब लिंचिंग करके 20 सड़क पर मारा गया तब उसके खिलाफ बोलने वाले ये तेरे कांग्रेसी लोग कहां रहे थे? जब आसिफा के साथ अत्याचार हुआ था तब ये कांग्रेसी लोग कहां रहे थे? और ऐसे अनेक मुद्दे जिस दिन से मजलिस-ए-इत्तेहाद उठा
हम शहर में आइए, हम हमारी गलतियों की वजह से जब से चूके हैं अंदर बनाते बनाते तहसील प्रोग्राम साहब को, उस दिन से आज तक हम मुसलमानों को सौतन सलूक का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बस्तियों में यही आपकी तारीफ आज अंदर है, जिसको अंदर बनाने में आपके भी वोटों का हाथ है, उसने कभी कदम नहीं रखी। आप लोगों के एड के बजट कम कर दिए गए, आप लोगों को एड के पास किया हुआ काम दूसरी जगह लेके जाया गया, लेकिन हम फिर भी इनके पीछे जाने। अरे मेरे भाई, अभी बहुत हो गया ऐसे लोगों को बोलो कि जो हिसाब करके आपको फैसला आने से पहले ही फैसला बता रहे हैं। उन लोगों को एक ही चीज बोलना है कि इस्लाम में रजूलियत हराम है, हराम। ये जो ये काम कर रहे हैं कि फैसला आने से पहले ही फैसला बता रहे हैं, ये रजूलियत बोलते हैं इसको, जो इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों को प्यार से समझाइए कि भाई ऐसे हराम काम मत करो, और उनको ये बताइए कि हमारा वो भले साया चाहे तो जाए, लेकिन इस बार हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बनने वाले को हमारा वोट देंगे इंशाअल्लाह। ये लड़ाई हमारी किसी के साथ की लड़ाई नहीं है, ये मध्य सोलापुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमानों का हक है। इसको आज तक जो हमको ये हक नहीं मिला है, इसके लिए आज मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में आऊं, आप लोगों के बीच में इतिहास पैदा करूं।